नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री समेत कई बड़े पदों में बदलाव किए हैं। बीजेपी के जरिए किए गए संगठनात्मक बदलावों के तहत राम माधव, मुरलीधर राव, अनिल जैन और सरोज पांडे को महासचिव पद से हटा दिया गया है। इनकी जगह दुष्यंत कुमार गौतम, डी पुरेदेश्वरी, सी टी रवि और तरुण चुग को पार्टी ने नए महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं युवा सांसद तेजस्वी सूर्य को बीजेपी युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। ओबीसी मोर्चा के प्रमुख के लक्ष्मण, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख जमाल सिद्दीकी और लाल सिंह आर्य को एससी मोर्चा के प्रमुख बनाया गया है। समीर ओराव को एटीसी मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। राधा मोहन सिंह, मुकुल राय, रेखा वर्मा, अन्नापूर्णा देवी, भारती भेन शियाल, डीके अरुणा, एम चुबा आव, अब्दुल्ला कुट्टी नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में तीनों चरणों में वोट डाले जाएंगे। बिहार में चुनाव तीन चरण में होगा। पहला चरण 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा सीट के लिए कराया जाएगा। वहीं दूसरा चरण 3 नवंबर को 94 विधानसभा सीट और तीसरा चरण 7 नवंबर को 78 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसके बाद 10 नवंबर को काउंटिंग की तारीख तय की गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।